नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज है मजदूर दिवस, यानी हर साल बिहार से कितने लोग करते हैं पलायन। रांची वंदे भारत ट्रेन इस दिन से चलाने की हो रही तैयारी। नई शिक्षक नियमावली के विरोध में नियोजित शिक्षक काली पट्टी बांध आज करेंगे संकल्प सभा। राज्य के विश्वविद्यालयों में जल्द हो सकते हैं बड़े बदलाव। सुपर संडे में आईपीएल के कई बड़े रिकॉर्ड हुए चकनाचूर। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज है मजदूर दिवस, यानी हर साल बिहार से कितने लोग करते हैं पलायन। आज के दिन को पूरे देश दुनिया में मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। बता दें कि आज का दिन मजदूरों को समर्पित होता है। ऐसे में आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर के द्वारा श्रमिक दिवस की शुभकामनाएं दी गई है। वहीं अगर बिहार के मजदूरों की बात करें तो देश के विकास में बिहारी श्रमिकों के द्वारा बड़ी भूमिका निभाई जाती है। बता दें कि हर साल रोजगार की तलाश में बिहार से 40 लाख से अधिक लोग दूसरे राज्यों और देशों में पलायन करते हैं। बता दें कि रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली, मुंबई, हरियाणा जैसे राज्यों की अर्थव्यवस्था में बिहारी श्रमिकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वहीं पलायन करने वाले लोगों में 36% एससी एसटी तो 58% ओबीसी समुदाय के लोग होते हैं। बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार पलायन करने वाले में 58% लोग ऐसे हैं जो खुद को गरीबी रेखा से नीचे बताते हैं। वहीं 65% लोगों के पास खेती योग्य जमीन नहीं होती। हालांकि अब 2008 से 2012 के बीच बिहार से पलायन करने वाले लोगों में 35% से 40% तक की कमी आई है। बिहार की राजधानी में अपराध रोकने के लिए पुलिस की नई पहल। पटना एसएसपी के आदेश के बाद बिहार की राजधानी में अपराध पर लगाम लगाने के लिए पटना पुलिस के द्वारा एक नई पहल की शुरुआत की गई है। बता दें कि इस नई पहल के तहत शहर के कोतवाली, पीर बहोर, गांधी मैदान, बुद्ध कॉलोनी, शास्त्री नगर, दरखा और राजीव नगर थाना में अब तक 263 अपराधियों का नाम गुंडा पंजी में दर्ज करा दिया गया है। इसके साथ ही पुलिस उन अपराधियों पर भी अपनी पैनी नजर बनाए रखेगी जो जेल से छूटे अपराधी हैं। ऐसे अपराधियों की थाना में परेड यानी हाजिरी लगाई जा रही है। बता दें कि अब गुंडा पंजी में दर्ज किए गए 263 अपराधियों को हर 4-5 दिन या सप्ताह 10 दिन में थाना बुलाया जाता है और फिर उनकी हाजिरी होती है, जिससे अपराधियों में डर पैदा होता है और साथ ही उनकी गतिविधियों के बारे में भी पुलिस को जानकारी मिलती रहती है। लुधियाना गैस लीक में मरने वाले बिहारियों की संख्या हुई 7। बीते दिन रविवार को पंजाब के लुधियाना के ग्यासपुरा में जहरीली गैस लीक से कुल 11 लोगों की मौत हो गई, जिसमें बिहार के भी 7 लोग शामिल है। बता दें कि 7 लोगों में 5 लोग ऐसे हैं जो एक ही परिवार से आते हैं। मालूम हो कि 5 लोगों का परिवार एक डॉक्टर का परिवार था जो जहरीली गैस के शिकार हो गए। वहीं मरने वाले लोगों के परिवार वालों को पंजाब सरकार की ओर से मुआवजा उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। वहीं श्रम संसाधन विभाग प्रवासी कामगार योजना के तहत मृतक के परिजनों को 1-1 लाख रुपए देने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश के बाद श्रम संसाधन विभाग के द्वारा मृतकों के शरीर को पंजाब से गया लाने की तैयारी की जा रही है। रांची वंदे भारत ट्रेन इस दिन से चलाने की हो रही तैयारी। 8 कोच वाली रांची पटना वंदे भारत ट्रेन रेलवे के द्वारा हजारीबाग होते हुए चलाने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि इस ट्रेन के परिचालन की शुरुआत होने से रांची पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस जहां 7 घंटे में दूरी तय करती, तो वहीं वंदे भारत ट्रेन 6 घंटे में यह दूरी तय कर सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस ट्रेन की शुरुआत 10 मई से की जा सकती है, अगर किसी प्रकार की कोई तकनीकी समस्या नहीं आती है तो। मालूम हो कि ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का कार्य देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। वहीं बीते दिन रविवार को रांची डीआरएम प्रदीप गुप्ता के द्वारा हटिया स्टेशन पर इंस्पेक्शन किया गया है, जहां पर वंदे भारत ट्रेन का प्राइमरी मेंटेनेंस होगा। नई शिक्षक नियमावली के विरोध में नियोजित शिक्षक काली पट्टी बांध आज करेंगे संकल्प सभा। बिहार में जब से नई शिक्षक नियमावली को कैबिनेट से मंजूरी दी गई है, तब से नियोजित शिक्षकों के द्वारा लगातार इसको लेकर विरोध किया जा रहा है। बता दें कि इसी विरोध के तहत बीते दिन रविवार को टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ की तरफ से एक ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मार्केंडे पाठक और प्रदेश प्रवक्ता अश्विनी पांडे के द्वारा बताया गया कि नई नियमावली में व्यापक पैमाने पर त्रुटियां हैं जिनमें सुधार करने की आवश्यकता है। इसी के तहत आज यानी कि 1 मई को राज्य के सभी 38 जिलों के मुख्यालय पर नियोजित शिक्षकों द्वारा काली पट्टी बांधकर संकल्प सभा आयोजित किए गए। वहीं अब 5 मई को बिहार की राजधानी पटना में बड़ा जुटान होने वाला है, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। एलपीजी सिलेंडर आज 171.50 रुपए हुआ सस्ता। तेल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर कमर्शियल एलपीजी के दामों को लेकर जारी की गई सूची के अनुसार आज यानी कि 1 मई से देश भर में कमर्शियल एलपीजी के दामों में 171.50 रुपए की गिरावट की गई है। बता दें कि सूची के अनुसार बिहार की राजधानी पटना समेत रांची, कानपुर और चेन्नई में भी
एलपीजी सिलेंडर के दामों में 171.50 रुपए की गिरावट आई है। बता दें कि राजधानी में 19 किलोग्राम वाला गैस सिलेंडर 2028 रुपए में की जगह 1856.50 रुपए में मिलेंगे। हालांकि वही दूसरी ओर 14.2 किलो रसोई गैस वाले सिलेंडर के दामों पर कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं अगर बात करें घरेलू गैस की कीमत की तो पटना में यह दाम 1201 रुपए है। इसके अलावा कमर्शियल गैस के दाम में 350 रुपए की वृद्धि आई है। बेटे के तिलक समारोह में चेतन आनंद को तिलक लगाते आनंद मोहन की तस्वीर आई सामने। बिहार के बाहुबली और पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद की शादी 3 मई को है। हालांकि इससे पहले चेतन आनंद के तिलक समारोह से जुड़ी एक तस्वीर सामने आई है जिसमें आनंद मोहन अपने बेटे चेतन आनंद को तिलक लगाते नजर आ रहे हैं। हालांकि अब तक इस बात की जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है कि चेतन आनंद का तिलक समारोह किस स्थान पर आयोजित किया गया था, लेकिन मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार चेतन आनंद की शादी राजस्थान में हो सकती है। वहीं पहले शादी का वेन्यू देहरादून फाइनल किया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चेतन आनंद का तिलक समारोह बीते दिन रविवार को आयोजित किया गया था। राज्य के विश्वविद्यालयों में जल्द हो सकते हैं बड़े बदलाव। 2023-27 के सत्र में दाखिले की प्रक्रिया शुरू करने से पहले उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा राज्य के सभी कॉलेजों में फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर का आकलन शुरू कर दिया गया है। बता दें कि उच्च शिक्षा निदेशक प्रोफेसर रेखा कुमारी के द्वारा राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों को पत्र भेजकर कॉलेजों में आधारभूत संरचना, प्रयोगशाला और पुस्तकालय के बारे में जानकारी मांगी गई है और साथ ही नए स्थापित डिग्री कॉलेजों के बारे में भी पूछा गया है। बता दी कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जरूरत के अनुसार प्रयोगशाला व पुस्तकालय को कॉलेज में विकसित किया जा सके। इसके अलावा कॉलेजों में स्मार्ट क्लासरूम व रिकॉर्डेड लेक्चर सुनने के लिए आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने को भी विश्वविद्यालय से प्रतिवेदन मांगा गया है। वहीं अगर इन सबके बीच अगर किसी कॉलेज का भवन क्षतिग्रस्त है तो उसकी जानकारी फोटोग्राफ सहित निदेशालय को विश्वविद्यालय की ओर से भेजी जाएगी। जानिए बिहार के किन रूटों से चलेगा वंदे भारत एक्सप्रेस। बिहार वासियों को 3 वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिल चुकी है। वहीं अब इनकी नई मांग है कि बिहार के भागलपुर में भी वंदे भारत एक्सप्रेस हो। बता दें कि यह बात भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और भागलपुर के पूर्व सांसद रहे शाहनवाज हुसैन के द्वारा कही गई है और साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि वह इस प्रस्ताव को लेकर रेल मंत्री के सामने जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में चल रही 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में से एक ट्रेन पटना हावड़ा रोड पर रेलवे की ओर से सौगात दी गई है तो वहीं दूसरा ट्रेन पटना से झारखंड की राजधानी रांची और तीसरी ट्रेन बनारस से हावड़ा के बीच दी गई है। वहीं अब भागलपुर के लिए भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की मांग तेज हो गई है। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को दी चुनौती। 3 तारीख को सासाराम आने का ऐलान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी द्वारा किया गया है। अब वहां जाने को लेकर सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को चुनौती दी है। चुनौती देते हुए उन्होंने कहा है कि न सिर्फ सासाराम बल्कि बिहार शरीफ में भी वे धरना देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार को जितनी ताकत लगानी है वे लगा ले। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि सासाराम और बिहार शरीफ में क्या हुआ। सासाराम में हुए उपद्रव को लेकर प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाने वाले हमारे पूर्व विधायक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इससे स्पष्ट हो गया है कि सासाराम में हमारे गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन साजिश रच रहा था। राजनीतिक शिविर में विलय को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने की बड़ी घोषणा। बिहार के राजगीर में चल रहे रालोजा के राजनीतिक शिविर में उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा पार्टी के विलय को लेकर एक बड़ी घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि हम अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को यह निश्चित करना चाहते हैं कि पिछली बार भी हमने खुद विलय नहीं किया था बल्कि सभी की इच्छानुसार पार्टी को विलय करने का निर्णय लिया था, लेकिन अब किसी भी कीमत पर पार्टी का विलय नहीं होगा। इसके साथ ही उन्होंने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने सरकार में आते ही पहले कैबिनेट बैठक में 10 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात कही थी, लेकिन अब तक 100 से भी अधिक कैबिनेट की बैठक हो चुकी है लेकिन 10 लाख नौकरी गायब है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को ठगने का काम कर रही है। वहीं आनंद मोहन की रिहाई पर उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश के द्वारा यह निर्णय तेजस्वी यादव के आदेश पर लिया गया है। इतिहास के सुनहरे पन्ने में लिखा जाएगा कि उल्टा पुल्टा निर्णय लेने वाला सीएम कौन है तो वह नीतीश कुमार के नाम से जाना जाएगा। बागेश्वर बाबा पर सरकार के एक और मंत्री ने किया हमला। जब से बागेश्वर धाम वाले बाबा का बिहार की राजधानी पटना में आने का कार्यक्रम बना है तब से राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी बढ़ गई है। बता दें कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव के बाद बिहार सरकार के एक और मंत्री श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम के द्वारा बागेश्वर बाबा पर जमकर निशाना साधा गया। उन्होंने बागेश्वर बाबा पर निशाना साधते हुए कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री ढोंगी बाबा है, ऐसे बाबाओं से हिंदू और सनातन धर्म दोनों बदनाम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे बाबाओं का देश हित, समाज हित, धर्म हित के लिए विरोध होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही लोग होते हैं जो दूसरे धर्म को लड़ाने की कोशिश करते हैं। बता दें कि ये सभी बातें श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम के द्वारा कैमूर सर्किट हाउस में कहा गया। सुपर संडे में आईपीएल के कई बड़े रिकॉर्ड हुए चकनाचूर।
सुपर संडे में आईपीएल 2023 के दो बड़े मैच खेले गए। बता दें कि बीते दिन हुए इस दोनों मैच में जमकर चौके छक्कों की बरसात की गई और इसी के साथ इतिहास में यह पहला मौका रहा जब एक ही दिन खेले गए दोनों ही मैच में सभी चार टीमों ने 200 से ज्यादा रन बनाए। बता दें कि बीते दिन यशस्वी की पारी के दम पर राजस्थान के द्वारा मुंबई इंडियंस के खिलाफ आईपीएल में अपना सबसे बड़ा स्कोर भी खड़ा किया गया। मालूम हो कि यशस्वी ने महज 62 गेंदों पर 124 रनों की आतिशी पारी खेली। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते दिन यह दो मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया जिसमें पंजाब किंग्स के द्वारा जीत हासिल की गई तो वहीं दूसरा मुकाबला मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया जिसमें मुंबई इंडियंस के द्वारा राजस्थान रॉयल्स को धूल चटाते हुए कप्तान रोहित शर्मा को जन्मदिन पर जीत का तोहफा दिया गया। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी सोमवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है जहां पेट्रोल 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रवि कुमार राम, सदुल्लाह पलवी, सुशील कुमार, मृत्युंजय कुमार, सुरुचि कुमारी, वेद प्रकाश सिंह, रंजीत मिश्रा, अर्जुन राम, नुन्नू गोलू कुमार, सचिन कुमार, अनवर करीम खान, मोहम्मद सकीर हुसैन, शंकर मुखिया, कौशलेंद्र कुमार सन्हा, ऐश्वर्या सक्सेना। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है आपके अनुसार बिहार से मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए सरकार की ओर से क्या क्या किए जाने चाहिए। अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।